मौजूद है वार्ड नंबर 66 में, जिसके इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 66 में, जिसके पार्षद प्रत्याशी है रोहित नावरिया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विधायक अमीन काग जी। क्या कहना चाहोगे जो रोहित नावरिया जी है उनके लिए? देखिए, कांग्रेस के प्रति समर्पित कार्यकर्ता, ईमानदार युवा और जोश से भरा हुआ हमारा उम्मीदवार है। मैं समझता हूँ कि पिछले 15 से 20 साल में जो काम नहीं हुए वो हमने ये साढ़े तीन सालों में करे हैं। लोगों को इस बात का अच्छे से आभास हो गया है और अच्छे से जानते हैं लोग कि काम करने वाले आदमी की इंसान कदर करता है। हमने इतने सारे काम पिछले साढ़े तीन चार साल में किए यहाँ किशनपुर में, जो 15-20 साल से नहीं हुए। उसी विकास की यात्रा को लेकर आज हम वार्ड 66 में घर घर जाकर हमारे प्रत्याशी रोहित नावरिया के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। वोट हमेशा सिद्धांत और नीतियों पे मिलते हैं। जो कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत और नीतियाँ हैं वो देश को एक और अखंड रखने के लिए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो ताकतें जो इस देश में भ्रांति फैलाती हैं, लोगों को झूठे वादे करके सरकार में आते हैं और उसके बाद में आज पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई का इतना ज़बरदस्त आलम है कि गरीब आदमी का जीना दुश्वार हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो गरीब मजदूर हर तबके का ध्यान रखती है, उसी को लेकर आज हम रोहित रावरिया के प्रचार में वार्ड 66 में आए हुए हैं। रोहित को ही क्यों प्रत्याशी बनाया आपने, और भी वार्ड में लोग थे? प्रत्याशी एक बनता है, कांग्रेस पार्टी का एक आदमी, हम सब की सहमति थे, हम सब ने आपस में राय करके इस युवा और जोश भरे उम्मीदवार को मैदान में लाए। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आप? 100%।